हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल के बारे में। 90% स्टूडेंट का मानना है कि इस चैप्टर में कैलकुलेशन जो होते हैं वो बहुत बिग होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन अभी रफ़ी सर जो आपको ट्रिक्स एंड कंसेप्ट देंगे तो आप देख लोगे कि इस चैप्टर में कैलकुलेशन नहीं करना है, और करना भी है तो ईजी है, 10% करना होगा आपको। तो कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले बोर्स मॉडल आप अप्लाई कहाँ करेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, राइट। इसीलिए हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन में, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में हम नहीं लगा सकते, हीलियम प्लस, डेट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दो इलेक्ट्रॉन था हीलियम में, तो एक इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाल दिया तो उसमें फिर लगा सकते हैं। वैसे ही लिथियम या लिथियम प्लस में नहीं लगा सकते, लिथियम प्लस टू में, क्यों? क्योंकि लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। सिमिलरली बेरिलियम प्लस थ्री में लगा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आप बोर्स मॉडल वहीं अप्लाई करेंगे जहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस एटम में या उस आयन में। एटम तो एक ही हाइड्रोजन में लगा सकते हैं, उसके बाद आप कैटायन में ही लगा सकते हैं, राइट। पॉइंट नंबर टू, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अकॉर्डिंग टू बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, क्वांटाइज होते हैं। इसका क्या मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो हो गया वो पर्टिकुलर ऑर्बिट या सेल में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो, अगर मास इनटू वेलोसिटी, ये सभी को मालूम होता है, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, जो एक लाइन पे होते हैं, राइट, वेलोसिटी। अगर सर्कुलर पाथ होगा तो रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइज मतलब कि ये एच बाई टू पाई, राइट, ये एक फिक्स नंबर हो गया, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10^-34, टू एक कांस्टेंट नंबर, पाई 3.14, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 10^-34 भी लिख सकते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, ये एन टाइम्स ऑफ 10^-34 हो गया। वेयर व्हाट इज एन, एन इज नथिंग बट किस शेल या किस ऑर्बिट में बात करो, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, एंड सो ऑन, राइट। तो इट्स वेरी इजी, एम वी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन टू पाई। आपको एच और टू पाई की वैल्यू डायरेक्ट फिक्स है, 10^-34, यहाँ पे एन पुट करना है, कौन से सेल में है वो, और इधर आपका एंगुलर मोमेंटम एम क्या है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे सब कुछ चल रहा है, डेट इज 9.1 इंटू 10^-31 के जी। ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में गिवन होता है, राइट। एन क्या है, शेल या ऑर्बिट को बता रहा है। ई क्या है, जहाँ पे भी, तो ई होगा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट इज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। और जेड जहाँ पे भी आ रहा है, डेट इज एटॉमिक नंबर ऑफ डेट एटम और आयंस। क्लियर है पॉइंट। सेकेंड के बाद जो थर्ड पॉइंट है, डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स लग रहा है एक अंदर की तरफ और वेलोसिटी की वजह से बाहर की तरफ, तो ये दो फोर्स बैलेंस होंगे, और उसको एक को बोलते हैं सेंट्रीपिटल, जो सेंटर की तरफ लगता है, राइट, ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स, और एक सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ लगता है, ये दोनों इक्वल होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखेंगे, चूंकि ये एक चार्ज सिस्टम हो गया तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सभी को मालूम होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, राइट। यहाँ पे सी जी एस यूनिट में के की वैल्यू हो जाती है 1, तो इसलिए के 1 हो गया तो हटा दिया हमने, क्यू वन चार्ज, क्यू वन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, जो भी एलिमेंट होंगे या फिर आयंस होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट, तो इसलिए जेड ई मैंने लिखा। और एक चार्ज आपका कौन सा है, फिक्स, डेट इज इलेक्ट्रॉन, तो ई। यहाँ पे ये समझना है कि जेड ई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर जो भी एटम या आयंस आप लेंगे तो उसमें जितना प्रोटॉन होगा, राइट, उस पर वही चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन पे होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हमने उसको रिप्लेस कर दिया है, तो जेड टाइम्स ऑफ ई, राइट। और इंटू ई ये आपका जो एक दूसरा चार्ज है अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इस आर को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, एम वी आर इंटू वी, क्योंकि वी का स्क्वायर था तो उसको मैंने स्प्लिट किया, इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर। ये आगे मैं यूज करूँगा इसलिए इसको लिखा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। और फोर्थ पॉइंट वही है, जेड एटॉमिक नंबर को बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज, एन शेल या ऑर्बिट को, और
एम मास को, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इस पे बेस प्रॉब्लम कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है जिसको हम बोल रहे हैं रेडियस, वो उस पे बेस क्वेश्चन पूछा सकते हैं। इसमें जो इसकी वेलोसिटी है वी, उस पे बेस क्वेश्चन पूछा सकते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी उस पे बेस। तो आपको यहाँ पे हमने ध्यान से देखो MVR, राइट, और MVR किसके बराबर है, NH अपॉन 2π, तो उसको पुट कर देंगे तो V आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे डी स्क्वायर अपॉन NH अपॉन 2π ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो वेरिएबल कौन है, सिर्फ Z और N वेरिएबल है। क्यों, 2 एक कांस्टेंट नंबर, पाई एक फिक्स वैल्यू 3.14, चार्ज इलेक्ट्रॉन का फिक्स, H फिक्स, तो सिर्फ वेरिएबल कौन है यहाँ पे, Z और नीचे में N है, राइट। तो आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और बेटा इसको ब्लड में डालना, आपको ब्लड समझे ना, ब्लड में डालना, ये तीन फॉर्मूले पे बेस बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। और वेरी सिंपल है, कैसे याद रखेंगे, वीर वर्ड से, इसलिए हमने उस ऑर्डर में लिखा है, VER कनेक्ट कर सकते हैं वीर वर्ड से। वेलोसिटी अभी आपको दिखाया सामने, वी इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू जो यहाँ पे आपको लिखी है पुट कर दोगे तो ये 2.18 × 10⁶ जेड बाई एन जो वेरिएबल है ये आ जाएगा। और यूनिट क्या रहेगी, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो आगे का नंबर एक फिक्स नंबर है, ये याद रख लेना 2.18 × 10⁶। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे याद रखो, 2 × 10⁶ भी अप्रॉक्स में ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और याद कैसे रखेंगे, वजन वर्ड से, वेट, राइट, वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वजन। तो वजन का मतलब वी से वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, राइट, इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं वजन, ये याद रखना है। वेलोसिटी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे जितना शेल नंबर होगा वेलोसिटी उतना कम होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये SI यूनिट में, तो ये ध्यान रखना है, जिसको 2 × 10⁶ भी लिख सकते हो, राइट। ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी क्लोज टू, नॉट इक्वल बट क्लोज टू क्या है, ये लाइट के स्पीड के बराबर आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। फिर उसके बाद एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिस सेल में होगा कितनी होगी, तो 13.6। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अट्रैक्टिव फोर्स है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो माइनस लेंगे, रिपल्सिव फोर्स होता तो प्लस लेते हैं। तो इस माइनस और प्लस का बस इतना ही यूज है, और कोई यूज नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि एनर्जी नेगेटिव होगी, राइट, चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो नेगेटिव लिया है। 13.6 अगेन एक फिक्स नंबर हो गया। अब यूनो की वेलोसिटी का जब मैं स्क्वायर करूंगा, हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आता है, एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो जेड का स्क्वायर आ जाएगा और एन का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए वेलोसिटी याद है। तो एनर्जी में आपको जो जेड और एन का क्या वेरिएशन होगा वो भी याद है, राइट। तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे यूनिट, ये SI यूनिट नहीं है पर एटम, ये एक एटम का है। अगर ऐसे 10 एटम होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मोल का पूछेगा तो फिर 6 × 10³² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रहे ये सिंगल एटम के एनर्जी है, राइट, सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी को बता रहा है। अगर हमें इसको SI यूनिट में ले जाना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी सिंपल, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ उतना ही जूल्स हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेंगे, उसके बाद जूल्स में अगर पूछेगा तो कन्वर्ट कर देंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली रेडियस, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो वो किस रेडियस में है, राइट, कितनी दूरी पे है, तो 0.53, अगेन एक फिक्स नंबर, और एन स्क्वायर बाई जेड कैसे कनेक्ट करेंगे, जितना दूर जाता जाएगा न्यूक्लियस से रेडियस उतनी बड़ी होगी, इसलिए एन ऊपर आना चाहिए और जेड नीचे है। ध्यान रहे एन का यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे जेड पे स्क्वायर नहीं है, राइट। इसमें कन्वर्जन में 1 angstrom 10⁻¹⁰ मीटर होता है, राइट, 1 picometer 10⁻¹² होता है, इसलिए 1 angstrom कितना हो जाएगा 100 picometer, 1 nanometer 10⁻¹⁹ मीटर होता है, इसलिए 1 nanometer कितना हो जाएगा 10 angstrom, राइट। तो ये आप याद रख सकते हो। तो ये तीन फॉर्मूले को बेटा आपको ब्लड में डालना, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे अगर मैं हाफ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ jd² / r। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ jd² / r होगा।
जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही टोटल एनर्जी भी होती है, सिर्फ माइनस साइन लगेगा, क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होंगे तो इसलिए बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, हाफ जे डी स्क्वायर अपन आर। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो टोटल एनर्जी का 2 times होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपको माइनस में जे डी स्क्वायर अपन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निगेटिव साइन में है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, काइनेटिक तो चूंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये इस पे बेस भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी वैल्यूज वाइज सेम है लेकिन टोटल एनर्जी माइनस साइन के साथ रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 2 times ऑफ टोटल एनर्जी होगी, यहीं सामने लिखा, कुछ नया नहीं किया। इस पूरे चैप्टर में आपको एटम कौन सा है वो मेंशन कर देगा या आयंस कौन सा है वो मेंशन कर देगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन एटम, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब हाइड्रोजन एटम आप लेंगे। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे क्वेश्चन में अगर फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऐसा लिखा हुआ है तो जो यहाँ पे नंबर इंडिकेट करेगा वही n की वैल्यू हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा 1, जैसे सेकेंड स्टेशनरी स्टेट तो n2, मान लो फोर्थ स्टेशनरी स्टेट तो n4, जितना यहाँ पे नंबर इंडिकेट करेगा वही आपका शेल का नंबर हो जाएगा या ऑर्बिट का नंबर हो जाएगा। बट अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऐसा लिखे, एक्साइटेड वर्ड, तो एक्साइटेड से पहले जो नंबर इंडिकेट हो रहा होगा उससे एक ज़्यादा लेना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट तो उससे एक ज़्यादा तो 2 लेना पड़ेगा n की वैल्यू। सिमिलरली कहीं पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है बट आपको कितना लेना पड़ेगा 4, उससे एक ज़्यादा, तो इसलिए एक्साइटेड स्टेट से पहले जो नंबर इंडिकेट कर रहा होगा उससे एक ज़्यादा लेना आपको। बट अगर स्टेशनरी स्टेट वर्ड लिखा हुआ है तो जितना आपको नंबर इंडिकेट कर रहा है उतना ही n लेना है, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 2 ये कि यूनो की जो वेलोसिटी है वो सम फिक्स नंबर, डेट इज़ 2.18 × 10⁶ जेड बाई एन, मैनली किस पे वेरी कर रहा है, जेड और एन पे, एनर्जी भी एक फिक्स नंबर होगा आगे में, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, रेडियस भी एक फिक्स नंबर है राइट, और एन स्क्वायर बाई जेड है। तो इसका यूज क्या है, जब रेशियो वाले प्रॉब्लम पूछे, एक एटम का दे दे दूसरे आयंस का अगर आपको पूछा जा रहा है तो रेशियो वाले प्रॉब्लम में ये फिक्स नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखें कि वो जेड और एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है उससे सॉल्व कर लें। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस इज एक्स, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बी प्लस 3 बताना है। तो यू नो रेडियस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और जेड के इन्वर्सली था, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो थर्ड ऑर्बिट है राइट, सेकेंड से ज़्यादा है तो बेरिलियम प्लस 3 का जो वैल्यू होगा वो एक्स से बड़ा होगा, तो एक्स से बड़ा होगा तो ये ऑप्शन एक पॉसिबल है राइट, और ये एक ऑप्शन पॉसिबल है, ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि छोटे हैं राइट। और कैसे निकालेंगे, तो चूंकि बेरिलियम प्लस 3 का थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर 9 और उसका जेड होगा 4 राइट, डिवाइडेड बाय इसका लिथियम प्लस 2 का सेकेंड ऑर्बिट था तो 4 डिवाइडेड बाय उसका ये 3, तो ये 3 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 27/16, तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज R3, रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन सेम एटम का पूछा गया, तो डेफिनेटली R4 R3 से बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो ये 9/16, ये तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है राइट, 4/3 ये पॉसिबल है, 3/4 ये अगेन पॉसिबल नहीं है। और चूंकि R3 अगर आपका थर्ड बोर ऑर्बिट का है तो R4 क्या होगा, तो अगेन रेडियस एन स्क्वायर बाय जेड होता है राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आइटम सेम है, एन स्क्वायर तो फोर्थ का निकालेंगे तो 16 और 3 का निकालेंगे तो 9, तो 60/9 होना चाहिए, डेट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 इज डेल्टा R1 और फॉर Hg प्लस इज डेल्टा R2, तो इन दोनों का रेशियो बताना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, लिथियम प्लस 2 का डेल्टा R1 है और Hg प्लस का डेल्टा R2 है, यू नो जो रेडियाई लिया है वो थर्ड एंड फोर्थ दोनों में सेम है, तो ऊपर की वैल्यू, चूंकि रेडियस अभी आपको बताया क्या था n स्क्वायर बाई जेड, तो ऊपर की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि सेम बोर ऑर्बिट है राइट, सिर्फ जेड से फर्क पड़ेगा, चूंकि लिथियम का जेड ज़्यादा होगा तो डेल्टा R1 कम होना चाहिए, Hg का जेड कम होगा तो डेल्टा R2 ज़्यादा होना चाहिए, तो रेशियो जो होगा वो 1 से लेस होना चाहिए, ये 1 से ज़्यादा हो गया ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है,
यह नहीं हो सकता। और कैसे करेंगे, चूंकि ऊपर का कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ जेड बचेगा, इसका जेड है 2 और इसका जेड है 3, इन्वर्सली रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा 2:3, डैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला तो एन कितना हो गया 3, राइट। एक्साइटेड स्टेट से पहले जो नंबर इंडिकेट करेगा उससे एक ज़्यादा, और हीलियम है तो जेड कितना हो गया 2, एनर्जी हमें निकालना है तो कितना था एनर्जी का माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और एन स्क्वायर 4/9, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये कितना हो गया हाफ टाइम्स, इसका हाफ टाइम्स अप्रॉक्स कितना होगा 6 के आसपास, ऐसा एक ही ऑप्शन है बी। तो इस तरीके से आपको करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम, तो यू नो रेडियस का फॉर्मूला था 0.53 एन स्क्वायर / जेड, एच एटम है तो जेड हो गया आपका 1, राइट, इसको 1 पुट करना है, और सेकेंड बोर ऑर्बिट तो एन की जगह 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.53 का 4 टाइम्स, और यू नो ये 200 प्लस होंगे, 200 प्लस वाले ऑप्शन को ना ध्यान से देखो, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये हैं ऑप्शन सी, ऐसे आपको करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो यू नो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हाइड्रोजन आइटम है तो जेड 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 13.6 1/n स्क्वायर, अगर एक बार n 1 पुट करोगे तो माइनस में 13.6 आएगा, तो यहाँ पे माइनस में 13.6 वाला नहीं है, ध्यान दे प्लस वाला है, तो ये मत कर देना। उसके बाद n 2 पुट करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो ये यहाँ पे डी है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी इन हाइड्रोजन एटम, तो यू नो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था जेडी स्क्वायर अपॉन आर और 1/2 माइनस में, राइट। तो चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो जेड 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस में ई स्क्वायर / 2r, डेट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज 19.6 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम है, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो पहले ध्यान से देखो, इस टाइप का जब भी आए आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आयोनाइजेशन एनर्जी जब भी लिखे तो इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से कहाँ ले गए हो n इक्वल टू इन्फिनिटी पे, राइट। तो एक बार पुट करो तो क्या हो जाएगा माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर, n की जगह 1 पुट करो तो 1 हो जाएगा, और एक बार माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर, n की जगह इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर के बराबर होगा, ये ऑलवेज आप ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान से देखो कि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, आगे कुछ नंबर होगा और इनटू जेड स्क्वायर, राइट। यहाँ पे ध्यान रहे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लाया है, इसको अगर हमें जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो पॉइंट ये है कि सम कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो आपको ये दिया है, राइट, तो ये कैसे आया होगा आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ कांस्टेंट रहे होंगे इनटू जेड, यहाँ पे कितना हो जाएगा हीलियम तो 4, राइट। तो इसकी पूरी वैल्यू आपको ये गिवन है, राइट। तो हमें निकालना है किसका, लिथियम प्लस 2 का, और किस में फर्स्ट स्टेशनरी, मतलब n 1 हो गया और लिथियम प्लस 2 है आपका, तो z हो गया यहाँ पे 3, राइट। तो n 1 हो जाएगा तो इसका 4 टाइम्स ये वैल्यू है, तो 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 19.6 × 10⁻¹⁴, और इनटू में एनर्जी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, जेड कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 / एन कितना हो गया 1, तो ये 9/4 मतलब अप्रॉक्स इसका 2 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा, तो 19 का 2 टाइम्स कितना हो गया 38, 40 के आसपास, तो ये आप देख सकते हो ये हो जाएंगे, एक पावर कम हो जाएगा, 18 था तो वो 40 हो जाएगा, तो एक पावर कम कर देना है, इसलिए ऑप्शन बी। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो वेलोसिटी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एन के इन्वर्सली होता है, एनर्जी जेड स्क्वायर / एन स्क्वायर होता है, राइट, और रेडियस एन स्क्वायर / जेड होता है। तो इसको डिफरेंट वे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और किसके इन्वर्सली, तो वो यही हो जाएगा, जेड स्क्वायर के डायरेक्टली होंगे और एन स्क्वायर के इन्वर्सली होंगे।
और वेलोसिटी इंटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का प्रोडक्ट, तो देख लो वेलोसिटी जेड बाई एन है और इंटू एन, तो एन एन कैंसिल हो जाएंगे तो जेड के डायरेक्टली होंगे, इस टाइप से पूछा जा सकता है। एक और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है इन ऑर्बिट, तो यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स आप कैसे ला सकते हो, वेलोसिटी बाई डिस्टेंस है, कैसे, वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड इनवर्स हुआ, तो डैट मीन्स वेलोसिटी भी हो गया और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है रेडियस, वेलोसिटी क्या है जेड बाई एन, रेडियस क्या है एन स्क्वायर बाई जेड, पुट करो तो ये क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर के डायरेक्टली और एन क्यू के इन्वर्सली होगा, तो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स क्या होता है के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, के तो एक कॉन्स्टेंट है, क्यू वन क्या हो जाएगा जेड ई राइट, जो प्रोटॉन नंबर इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ही है अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखो फोर्स में एक ऊपर में जेड आ रहा है और रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस खुद क्या है एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन स्क्वायर का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, तो जेड की पावर थ्री होगी और एन का पावर फोर, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है कि कोलंबिक फोर्स चार ऑप्शन दे दिया किसके डायरेक्टली होंगे, किसके इन्वर्सली होंगे, या फिर जेड को चेंज किया तो क्या चेंजेज होंगे। तो आई होप मेरा ये प्रयास बोर्ड्स मॉडल पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इससे बाहर कुछ नहीं बेटा, आप सारे पी वाई क्यू को कर सकते हो। थैंक यू।